ये फोर व्हीलर और टू व्हीलर के लिए तो कह रहे हैं प्रदूषण जांच करो, और उनके चलान हो रहे हैं डबल डबल, मगर ये जो इतना प्रदूषण आ रहा है इसका कोई चलान नहीं है, कोई वो नहीं है। आदमी जो है आधे से ज्यादा जो है बीमार हो रहा है इस धूल हवा से, इस मिट्टी से, इस है ना। दोपहर को धूल उड़ी उस टाइम तो पानी कोई डालने, सुबह जब पाला गिर रहा है उसमें पानी डाल रहा है उसमें और ज्यादा रिस्क हो रहा है। ये चीज तो हमने देखी थी, और जहाँ जहाँ भी फ्रेश कटिंग हो रही है वहाँ पर धूल उड़ने की संभावना तो होगी ही, लेकिन ख़ास तौर पर हमने पीपल कोटी के आसपास देखा था कि बहुत ही धूल उड़ रही थी, और उसको नियंत्रित करने का भी कोई प्रयास हमें उस समय दिखाई नहीं दिया। ग्रामीण लोग हमको वहीं पर मिले थे, और उन्होंने जब ये सब बातें हमसे कहीं और हमें खुद महसूस हो रही थी, वो धूल हमें भी असर हो रहा था, तो हमने उसी वक्त जो कंपनी के लोग हैं वहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है, हमने तुरंत उनसे कहा था कि भाई यहाँ पे तो आप रेगुलर पानी छिड़काव करो। और अगले दिन जब हम गुज़रे हैं तो हमने देखा है कि लगभग पूरे इलाके में जहाँ से हम गुज़रे हैं वहाँ पर तो छिड़काव हुआ था, कहीं पर बारिश भी हो गई थी उसका भी फ़ायदा हुआ, और कहीं पर छिड़काव हो रहा था। क्योंकि मैं तो वैसे तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये तो सबको पता है कि जब इतनी फाइन ग्रेन्ड या कम आकार के मिट्टी जब उड़ती है तो वो फेफड़ों में जाती है और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर होता है। लोगों को खांसी होती है, लोगों को गले में खराश होती है, ये सब प्रॉब्लम्स तो होती हैं। अगर लंबे समय तक इस तरह का एक्सपोजर चले, यानी कि महीनों महीनों चले, तो फिर उसके और भी गंभीर असर हो सकते हैं। अब इसमें इसका असर ज़्यादातर छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। दिक्कतें तो यहाँ बहुत है, धूल तो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं धूल से, इतना सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और घरों में भी इतना धूल है कि जो हम तो अब क्या बोलें, इतना धूल है आप तो देख ही रहे होंगे कितना धूल है, और पशुओं के चारे में भी वो जो पेड़ पौधे उसमें तो सारा धूल ही धूल जा रहा है। वो पेड़ जैसे पशुओं का चारा है तो वो जब पशुओं वहाँ गौशाला में ले जा रहे हैं तो उसको झाड़ना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा धूल है कि हम तो क्या बोल सकते हैं अपने उसमें, आप देख ही रहे होंगे, सारे लोग देख रहे हैं कि कितना धूल है, सारे परेशान हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे उनके आधार पे ये बहुत क्लियर हो गया था कि हमें मौके पर जाकर भी परिस्थिति का अध्ययन करना है। तो ये हम पूरी टीम, क्योंकि इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो इस इलाके से परिचित नहीं हैं, जो पहले इन सड़कों पे नहीं घूमे हैं, तो ये एक तरह से प्रथम दृश्य रिपोर्ट तैयार करने की बात है। लेकिन इसके बाद फिर जब हमारी रिपोर्ट तैयार होगी, टूर रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तब हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके जो मुद्दे उठे हैं उनका विश्लेषण होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके लिए कुछ और हमको डेटा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, तो ये सब अब प्रक्रिया चलेगी।